हमजा, इतना लेट कहां से आ रहे? मुझे नहीं पता कि मैं कहां हूं, किधर हूं, क्या कर रहा हूं, ये भी नहीं पता। लेकिन आप मेरी तकलीफ नहीं समझ पा रहे, बस ये पता है। तुम फजूल की जिद कर रहे हो, बस। जिद नहीं है, जिद नहीं है डार। प्लीज डार, प्लीज आप प्लीज मेरी कंडीशन को समझें और मेरी सिर्फ एक बात मान लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। अगर बात दिल नशी की है तो मैं कोई बात सब। बात आपके बेटे की है डार, प्लीज बोलो। डैड आप प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप दिलनशीन के घर जाके उन लोगों से एक्सक्यूज। डैड प्लीज, आई प्रॉमिस मैं जिंदगी भर आपसे कभी कोई ख्वाहिश नहीं करूंगा, ये मेरी जिंदगी की आखिरी विश समझ के प्लीज पूरी कर दीजिए। डैड मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, प्लीज। If you love me, please do this for me. Please, Dad. मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बगैर, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कोशिश की, ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा नहीं है, मैंने सोचा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कर जाऊँ तबाह हो जाऊंगा, प्लीज प्लीज Dad। सोच भी नहीं सकता कि वो किसी और की हो सकती है, सब कुछ खत्म कर लूंगा। जाके सो जा। गुड नाइट प्लीज। गुड नाइट। क्या हुआ, कुछ कहा उसने? मुझे लगता है हमें हार माननी पड़ेगी। जवान हो गया है, अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। डरता हूं कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे। इस उम्र की मोहब्बत इंसान को बर्बाद कर देती है। बहुत हसीन लग रही। अफोर्ड कर सकोगे मुझे? दुनिया की सारी आसाइशें लाके तुम्हारे कदमों में रख दूंगी। फिलहाल एक टैक्सी ला दो, तुम्हारी उस खटारा बाइक पे नहीं जाऊंगी मैं। मैं चाहता हूं तुम्हारे होठों पर सिर्फ मेरा नाम। तैयार होने दो, मुझे तंग मत। खुले रहने दो, अच्छे लगते हैं।
तुमने अब तक इनकार नहीं किया? मेरे पास इनकार की कोई वजह नहीं है। मैं तुम्हें मोहब्बत नहीं दे सकता। इस तड़पे से निकलना चाहती हूं मैं। बड़े घर में सांस लेना चाहती हूं, जहां इंसान होने का एहसास हो। भेड़ बकरियों की तरह बसों में सफर करते करते थक गई हूं मैं। मुझे भी अपनी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी जिसमें बैठ के मैं बाहर के नजारों एंजॉय कर सकूं। हो वो मिला क्यों था, अगर उससे बिछड़ना था। मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की, अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जा, निकल जाए जा। के सहारे कब तक जिया जा सकता है? किसी की यादों के वजह से नहीं, मसरूफियत की वजह से शादी नहीं कर रहा था मैं। अच्छा, पलकें झपक लो फिर। दिलनशीन का नंबर है शायद, पूछूं क्या मसला हो गया होने वाली बेगम को? अंदर तैयार हैं सब, तुम जाओ। हाँ दिलनशीन जी। हैदर साहब, आपका ऑर्डर तैयार हो गया। हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आधे घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। हैदर साहब, मैं स्वीट एंड स्वीट से बात कर रहा हूँ, आपका ऑर्डर तैयार हो गया, प्लीज पिक कर लें। गाड़ी निकल गई है, पहुंच रही है थोड़ी देर में, पिक कर लेगी सब कुछ। हेलो,
तुम भी मेरे साथ सिर्फ अफेयर ही चला रहे थे ना हमजा। किसी ने मेरी नहीं सुनी, तुमने भी नहीं। चलो अच्छा है, पिक्चर्स भेज रही हूँ मैं हैदर की दुल्हन की। बिल्कुल वैसे ही तैयार हुई है जैसी तुम्हें पसंद है। देखो और बताओ कैसी लग रही है। अब भेजना। देखो हमजा, देखो नशीन, मत भेजना। मैं तुम्हें कह रहा हूं मत भेजना प्लीज। कहते हैं जब कोई अपना मर जाता है तो उसकी आखिरी रसूमात में जरूर खुद शामिल होना चाहिए। सब्र आ जाता है। तुम भी देखो और मेरी आखिरी रसूमात में शामिल हो। नशीन, मुझे मत भेजना प्लीज। खुदा हाफिज हमजा। उसे सौ दफा पुकारा है दिल ने मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका। जो आँखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन ना सका। जान का टुकड़ा ढूंढ कर लाई है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लड़की। अरे ये तो वही लड़की है। कौन? सारा की नन की शादी में ये एक लड़के के साथ बंद कमरे में पाई गई थी। सबने दरवाजा खोलकर इसे बाहर निकाला था मगर लगता है सबने बात दबा दी। तुझे चाहना मोहब्बत से मिल अभी मुझ में वो लगन बाकी तो है। ये बेइंतहा तेरे बिन सुलगना मेरा मेरी सांसों में अगन बाकी तो है। क्या जल्दी हो जो तेरी तो रातें जागे मेरी। जिसे दिल नहीं मिला उसे हाथों की लकीरें क्यों मिला दी आपने।
क्या हालत बना रखी है तुमने हमजा? हुसैन की मंगनी है आज, वो मंगनी जिसका ख्वाब मैंने देखा था। प्लीज सोच करे, प्लीज। लिसन हमजा, एवरीथिंग विल बी फाइन, इट विल जस्ट टेक सम टाइम, ओके? नो, इट्स नॉट ओके। अरे तुम हद से ज्यादा नहीं आगे बढ़ रहे? मुझे हद से ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं यार, उन्होंने आप लोगों को क्यों अंदाजा नहीं हुआ? एक लड़की पे पूरी दुनिया नहीं खत्म हो जाती है। डैड, वो लड़की मेरी दुनिया है, समझे इस बात को। और क्या हो गया अगर वो किसी महल से नहीं आ रही? हमारे पास तो सब कुछ है ना। बात खानदानी बैकग्राउंड की है, और वैसे भी अब हम माने या ना माने क्या फर्क पड़ता है, उसकी तो मंगनी हो गई है। और लेकिन फिर भी अगर वो हमारे बगैर अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे सकते हैं तो जाओ कर लो, लेकिन फिर वही रह जाना। हमजा, देखा आपने कैसे हुंडो जैसी हरकतें कर रहा है? चौहान लड़का है, मुझे डर लगता है कहीं उल्टी सीधी कोई हरकत न कर बैठे। कुछ नहीं होता, अभी मंगनी तक हिम्मत पकड़ी है ना, अब शादी तक भी सब्र कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई इसकी जिंदगी में जरूर आएगी। मैंने अपनी बेवफाई से हैदर को खो दिया, लेकिन अनसब अब मैं अपने साथ तुम्हारी मजीद बेवफाई बर्दाश्त नहीं करूंगी। अनसब, अनसब, सब क्यों शोर कर रही हो? मुझे बात करनी है तुमसे। कल बात करेंगे ना बेबी। मुझे अभी बात करनी है तुमसे।
से मुझे तुम्हारी जरूरत है। I need your care. मैं बहुत lonely फील कर रही हूँ, प्लीज answer. तो मैं क्या करूँ? कहीं बाहर चली जाओ, मुझे तंग मत करो, come on. कहाँ चली जाओ? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, answer, I need your care, your companionship. इस तरह आसाइशों में फेंक के मुझे तन्हा मत छोड़ो हंसा, प्लीज। देखो मैमल, मैं फिर से वही बहस नहीं करना चाहता जिन आसाइशों की तुम बात कर रही हो कि मैंने तुम्हें उनमें फेंका हुआ है। उन्हीं आसाइशों की वजह से तुम आज यहां मेरे घर में हो। रिलैक्स एंड सब। मैंने कभी भी तुमसे कुछ छुपाया नहीं है। बाहर गाड़ियां हैं, ड्राइवर्स हैं, कहीं भी चली जाओ जहां तुम लोनली ना फील करो। Oh, come on. Go away. बेशक जितना मर्जी बड़ा बना दो, लेकिन उसमें आप अगर अकेले हो ना तो वही घर काटने को दौड़ता है। लेकिन जिद कर रही हो तो बना के दूंगा बड़ा। तुम बातें करते रह जाओगे और मैं चली जाऊंगी एक बहुत बड़े से घर में, शादी हो जाएगी मेरी। माँ, मैं सोच रही थी कि जो कपड़े हमने डिजाइनर के पास सेलेक्ट किए हैं, वो हम जाके दिलनशी को दिखा दें। भाई मैं तो कई दफा कह चुकी हूँ, लेकिन अनीसा बेगम कहती हैं कि आपका जो दिल चाहे आप बनाए, दिलनशीन को कोई एतराज नहीं। बड़ी सख्त कसम की माँ है, ऐसी लगामें कस के रखी हैं कि मैं क्या बताऊं। वरना हो सकता है कि आजकल की लड़की और उसकी कोई पसंद नापसंद ही ना हो। तो ठीक है, हम भाई और दिलनशी को साथ शॉपिंग पे भेज देते हैं। अच्छा है, दोनों में शादी से पहले अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और वो भाई के साथ अपने ड्रेसेस भी देख लेगी। बल्कि मैं उससे कहूंगी अगर उसे पसंद नहीं है तो अपनी पसंद के भी ड्रेसेस चूज कर ले। अनीसा बेगम इस बात का बुरा नहीं मानेंगी। इसमें बुरा मानने वाले तो कोई बात ही नहीं है। मैं आफिया से बात करती हूँ। अब तो वो भाई की मंगेतर है माँ। मैं तो कह रही हूँ भाई से भी पूछ लो, ऐसा ना हो कि वो इनकार कर दे। माँ भाई से आप बात करें, बल्कि ऐसा करें उन्हें हुक्म दें कि अपनी मंगेतर को शॉपिंग पे लेके जाओ। उससे तो मैं बात कर लूंगी, लेकिन अब चलो देर हो रही है, ज्वेलरी भी देखनी। अच्छा, आ जाओ। Thank you.
मुझे आके जाओ। साहब चले गए, नाश्ता कर रहे हैं। और उनके मेहमान? वो तो जा चुके हैं। गुड मॉर्निंग। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? और जो तुम कर रहे हो वो सेंसिबल है क्या? आई डोंट केयर। यू हैव टू आंसर। आई स्टिल डोंट केयर। तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं है? मेरा दुख, मेरी तकलीफ तुम्हें नजर नहीं आती? मुझे ये बात तुम्हें बार बार क्यों याद दिलानी पड़ती है कि हम ये सब पहले से तय कर चुके हैं? मैंने निकाह के वक्त ही अपनी आजादी, अपनी रिलीज का इंतजाम कर लिया था। सब मुझे तकलीफ होती है, मुझे जरूरत है तुम्हारी, तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे वक्त की। एक सच्ची बात बताऊं महमिल, यूं तो मुझे हर दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे बारे में मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। जबरदस्ती मैं प्यार कर नहीं सकता, और अगर किसी से हो जाए तो रुक नहीं सकता। तुम मुझे बहुत अपसेट लग रही हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम किसी साइकाट्रिस्ट को दिखा दो। आज के बाद कोई भी लड़की मेरे घर में नहीं आएगी। मेरे घर में आएंगी? और वो कोई मामूली लड़कियां नहीं है, उनका माशरे में एक मकाम है। यहां इसलिए आती हैं कि सिक्योर फील करती हैं। तुमने कभी सोचा है घर के मुलाजिम क्या कहेंगे? किसी को भी कुछ भी कहने का हक नहीं है। ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो ना, अगर वही मैं करूं तो फिर? All rights reserved, baby. All rights reserved. तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, और ये तो मेरा लॉस होगा कि मेरा नाम किसी बद किरदार औरत के साथ जुड़ा रहे। और बद किरदार मर्द? मर्द? मर्द तो मर्द है, मर्द का किरदार कभी भी स्टेज पे नहीं होता। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि कभी कभी मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, लेकिन चंद ही लम्हों के बाद फिर से सॉलिडिफाई हो जाता है। अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो तुम मुझसे अलग हो सकती हो, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। फिर तुम आजाद हो, जैसे चाहो रहो, पर एक बात सोच लेना, क्या तुम इन लग्जरीज के बगैर रह लोगी? Think about that. Thank you.
ड्रेस तो लगता है बना ही मेरी बहू के लिए है, बहुत खूबसूरत लगेगी इसमें, अल्लाह ने उसे ऐसा मशरकी हुस्न दिया है माशाल्लाह। मुझे तो लग रहा है ये वाला ड्रेस पहन के तो बिल्कुल शहजादी लगेगी मेरे घर की। उफ, ये वाला अच्छा, ये इसका कर लें, ये कलर भी बुरा नहीं है, बड़ा डिफरेंट सा है जी। सही। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोर हो रही थी घर पे, सोचा यहाँ चक्कर लगा लूं, शादी वाला घर है, अब तो डेट भी फिक्स हो गई है। और ताई अम्मी, अगर कोई काम हो ना तो बिला झिझक कहिएगा मुझसे। प्लीज बैठो तो सही। काम तो अब तकरीबन सभी हो गए हैं, बस अब मेरी बहू को जाके ओके करना है। तो आपने उसे बिना दिखाए सब कुछ सिलेक्ट कर लिया? भाई वो तो बहुत सीधी सादी मासूम सी बच्ची है, जो पहना दो पहन लेगी, जो खिला दो खा लेगी। भाई माँ ने बड़ी अच्छी तरबियत की है, खुद माँ में भी कोई लालच नहीं है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बच्ची है। भाई हैदर, अब तुम उसको लेकर जाओ और उसे चीजें पसंद करवाओ। अगर कोई चीज उसे बहुत पसंद आए तो फौरन ऑर्डर कर देना, और अगर कोई चीज नहीं पसंद है तो कैंसिल कर देना, बस उसकी मर्जी से करो। जाने देंगे वो उसे साथ? मुझे तो अच्छे खासे दकियानूसी लोग लगते हैं। दकियानूसी तो बिल्कुल भी नहीं है, सीधे साधे शरीफ लोग हैं, रख रखाव वाले। अनीसा बेगम का दिल बहुत बड़ा है भाई, ना कोई लालच, बहुत ही सीधे साधे से लोग हैं। क्या तरबियत की है अपनी बेटी की। दिखाए ना तो फिर, क्या लिया है उसके लिए, मैं भी तो देखूं। वही जो आजकल चल रहा है। हाँ ताई अम्मी, पता तो चले, दिखाए। हाँ हाँ, देखो ना तुम। अरे तुम जाओ भाई, तुम्हें बहुत काम पड़ेगा, अब मैं दिखा दूंगी, हम फारिग लोग हैं, हम बैठ के देख लेंगे, जाओ जी। ये लो, देख लो, फिर मुझे भी जरा जरूरी काम से जाना है। नहीं, अच्छा ही पसंद किया होगा। दिलनशीन, आज ना अच्छे से तैयार हो जाना, हैदर भाई आ रहे हैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाने के लिए। अम्मी ने इजाजत दे दी? हाँ। अच्छा, मैं नहीं जाना क्या? अभी इस सब की क्या जरूरत है? अरे मैं चाहती हूँ तुम कम से कम एक बार तो हैदर भाई से मिलो ना, तुम्हें मिलके अंदाजा होगा कि कितना अच्छा इंसान तुम्हारी जिंदगी में शामिल होने जा रहा है। जब शादी हो जाएगी तो मिल लूंगी, बात भी कर लूंगी, मगर अभी सबकी क्या जरूरत है? और अम्मी ने इजाजत क्यों दे दी, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा दिलनशी, अब वो आ रहे हैं तो तुम्हें जाना तो पड़ेगा ना, और प्लीज अच्छे से तैयार होके जाना, ये बेजार और गमजदा चेहरा लेके उनके सामने मत जाना। मर्द बहुत समझदार होते हैं, वो एक नजर में भाप जाएंगे कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। सोचो जरा, जिस शख्स ने पलट के तुम्हारा हाल नहीं पूछा, उसका मातम तुम अपने होने वाले शोहर के सामने करोगी? अब ये सब छोड़ देना, मैं खुद कर लूंगी, तैयार हो जाओ जाके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम हैदर भाई, आए ना। थैंक यू। आप बैठे, मैं अम्मी को बुला के ला जी। एक्सक्यूज मी, वो
किसी तकल्लुफात में मत पड़िएगा प्लीज। एक कप चाय तो चलेगी ना? हाँ वापसी में पी लो। वापसी में एक कप और पी लीजिएगा, मैं आती हूँ। मेरे पास अब अपनी जान की कसम देने के अलावा और कोई चारा नहीं। दिलनशीन खुदा का वास्ता है, अपने मंगेतर को अपने माजी के रवैये की कभी भिनक भी ना पड़ने देना। ये तो इस लड़के का रिश्ता था, वरना वो बड़े लोग, वो जितना हमें जलील करके गए हैं, इस रिश्ते की वजह से हम झेल गए इस जिल्लत को, वरना मैं तो शायद इस तजलील पर मर ही जाती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ दिलनशीन, हाथ जोड़ती हूँ, इस मंगी को शादी तक पहुँचने देना। अम्मी हैदर भाई आए हैं। बिठाओ, मैं आ रही। तुम थोड़ी देर ठहर के आना,